बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिक सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में मैं ये बताऊंगा कि क्या बहारिया मकई पर फाल आर्मी का ख़तरा मौजूद है या नहीं। देखें, बहारिया मकई जो है ना, ये जो 20 फरवरी से पहले पहले काश्त हो जानी है ना, आप समझें कि उसके ऊपर तो कोई ख़तरा नहीं, उसके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि टेम्परेचर ही काफ़ी लो रहना है मार्च के दौरान। ये अप्रैल में इसका अटैक, इब्तदाई अटैक शुरू होता है। ख़ासतौर पर मई के दौरान जो है ना, इस पर भी आ सकता है जब बड़े, लेकिन मई को आप देखें, जो फरवरी के दौरान काश्त हो जानी, मई में उसका कद क्या हो जाना है, तो उसका जो है ना वो नुकसान पहुंचा नहीं सकेगा। आएगा ज़रूर, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसके लिए कोई खसूसी तदबीर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब छोटी होती है ना, जो बंदा मार्च के दौरान भारिया मकई काश्त करेंगे, मार्च के भी आखिर में लगाएंगे, उनके उसके ऊपर जनाब फॉल आर्मी वर्म का अटैक हो सकता है। लिहाजा जिन्होंने लेट काश्त करें, वो अपने हथियार तैयार रखें। हथियार से मुराद यही है ना कि ये सख्त किस्म की जहरें हैं, बल्कि ये रैक्टर सुपर जैसी जहरें जो है ना, ये अगरचे मारती हैं, इसको अच्छा खासा मारती हैं, लेकिन जिन्होंने साइलेज बनाना होता है ना, तो उनके लिए जो है ना, वो साइलेज की क्वालिटी के ऊपर ये चीज़ जो है ना बुरी तरह असरअंदाज होती है। तो बारकाफ़ आज की मेरी बात का खुलासा ये है कि जो टाइमली जनवरी के अंदर काश्त होगी या फरवरी में काश्त होनी है ना, इसके ऊपर फॉल आर्मी वर्म का ख़तरा मौजूद नहीं है। जबकि जो लेट काश्त होनी है, ख़ासतौर पर 10 मार्च के बाद तक, जिन्होंने आलू के बाद आलू की पटाई अभी बहुत सारे इलाकों में अभी रहती है, तो मार्च के दौरान ही पटाई होनी है, पटाई के बाद जो है ना ये बहारिया मकई लगती जानी है, तो उसमें बिल्कुल हमें स्प्रे करने की ज़रूरत दरपेश होगी, उसके ऊपर इसका अटैक आएगा।